25 HP से लगा करके 60 HP तक के जो ट्रैक्टर है किसान भाइयों के पास, उन सभी ट्रैक्टरों के लिए अपने पास थ्रेसर उपलब्ध हो गया NVT कंपनी के। एक तो इसका एवरेज ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले, दूसरा ट्रैक्टर नहीं दबता है इसमें। इसमें चार तरह के मल्टीक्रॉप थ्रेसर आते हैं NVT में। एक आता है रेगुलर मॉडल, उसके बाद में नया बनाया है 5-स्टार मॉडल, तीसरा आता है प्लस प्लस मॉडल। ये प्लस प्लस नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है धाकड़ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, NVT कंपनी अपने जो है उच्चतम क्वालिटी के जो थ्रेसर है उसके लिए जानी जाती है, और इसमें जो है फसलों में काफ़ी ज़्यादा जो है सफाई से निकालने के लिए भी ये कंपनी जानी जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो NVT द्वारा एक मल्टी क्रॉप थ्रेसर आया है, इसके अंदर जो है नया मॉडल निकाला है, उसके बारे में हम सर से जानकारी लेंगे। सर, ये कौन सा मॉडल है और इसमें कितने तरह के मॉडल आते हैं? सबसे पहले तो किसान भाइयों, राम राम। मैं हूँ लक्ष्मी एजेंसी बेगू, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से गोपाल धाकड़ आपको NVT ब्रांड मल्टी क्रॉप थ्रेसर की जानकारी देते हैं। इसमें चार तरह के मल्टी क्रॉप थ्रेसर आते हैं NVT में। एक आता है रेगुलर मॉडल, जो कि सबसे पहले बनाया गया था, वो अभी चल रहा है। उसके बाद में नया बनाया है 5-स्टार मॉडल, जिसके अंदर की ब्लेड की लाइन बढ़ाई गई है। तीसरा आता है प्लस प्लस मॉडल, ये प्लस प्लस मॉडल है, प्लस प्लस आता है इसमें। इसकी टोकरी भी थोड़ी नीची होती है और ब्लेड की संख्या ज़्यादा होती है अंदर, ब्लेड की 16 लाइन अंदर, ब्लेड की संख्या 225 से 235 के बीच रहती है इन मॉडलों में। दूसरा, चौथा है प्लस प्लस डबल शाफ्ट, ये डबल शाफ्ट है, यहाँ पे एक पंखा, दो पंखे इससे चलते हैं, दो पंखे इस पुली से चलते हैं, दो पंखे उस पुली से चलते हैं। बाकी थ्रेसर की जैसे ये तीन पुलियाँ हैं, यहाँ पे साइड की ड्रम की तीन पुलियाँ हैं, इससे थ्रेसर की अलग अलग फसलों के हिसाब से अपन सेटिंग कर सकते हैं। इसकी टोकरी काफ़ी नीची दी गई है, बहुत नीची है, दूसरों के मुकाबले, दूसरे मल्टीक्रॉप थ्रेसर के मुकाबले टोकरी नीची दी गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस डबल शाफ्ट जो मॉडल है वो यहाँ पर सर के द्वारा बताया गया है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें हम सर ने बताया जैसे कि दो फैन के हो गया। इसको लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है सर, वो बताइए कि आदमी जो रेगुलर मॉडल है उसको न लेकर ये ले। सर जी, इसमें क्या है कि किसान भाइयों के पास ज़्यादातर ट्रैक्टर 39 HP, 40 HP या 42 HP के हैं, तो उन ट्रैक्टरों पर रेगुलर मॉडल जो है उनमें क्या है कि ब्लेड कम आती है थोड़ी सी, या यूं कहें कि जो रेगुलर मॉडल है उनमें थोड़ी सी ट्रैक्टर के दबने की शिकायत थी। तो अब ये जो प्लस प्लस मॉडल निकाला है, इसमें ब्लेड की संख्या ज़्यादा है, ब्लेड की 225 से 235 कर दी है ब्लेड, तो ट्रैक्टर दबता नहीं है इसमें। अच्छा, और बहुत इजी गोइंग चलता है ट्रैक्टर भी, और फसल का एवरेज भी अच्छा बैठता है इस मॉडल में। मल्टी क्रॉप जो थ्रेसर होते हैं वो जाने जाते हैं बड़े ट्रैक्टरों पे चलने के लिए। अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर है और आप चाहते हो कि मेरे पास भी मल्टी क्रॉप थ्रेसर हो और वो कम से कम डीजल की खपत या ट्रैक्टर को कम से कम दबा के वो मशीन चल जाए, तो आप ले सकते हो ये, क्योंकि इसके अंदर जो है फीचर ऐड कर दिए हैं जिसकी मदद से ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर होगा अगर 35 या उससे बड़ा जो है 40-42 जो ट्रैक्टर होगा, रेगुलर जो ट्रैक्टर होते हैं अपने नॉर्मल, उन ट्रैक्टर पे भी ये आसानी से चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेडों की संख्या है बढ़ाई गई है और डबल शाफ्ट दी गई है, जिसकी मदद से जो है ट्रैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा कम लोड आएगा और अपने जो है काम भी वो काफ़ी फास्ट कर देगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है 5-स्टार मॉडल, इसके अंदर हमें डबल शाफ्ट नहीं मिलती है, बाकी हमें जो है ब्लेडों की संख्या ये ज़्यादा ही मिलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम मॉडल है, हमें यहाँ पर सिर्फ पुली का फर्क मिलता है, उसके अलावा काफ़ी सेम जो है चीज़ें दी गई है। इसका एवरेज भी अच्छा है, ये 5-स्टार मॉडल है और इसका एवरेज बहुत अच्छा बैठ रहा है अभी, और ज़्यादातर यही चल रहा है मॉडल। बड़े ट्रैक्टर पर 45 HP, 50 HP, 40 HP, 55 HP, 60 HP आप किसी भी ट्रैक्टर पर चला सकते हैं इसको। दूसरा, अब ऐसे बात करें कि अपन ड्रम की साइज, इसकी जाली की लंबाई, ड्रम की साइज़ की, तो इसमें चार प्रकार के NVT में कुल टोटल थ्रेसर हो गए। 32 इंच का जो छोटे ट्रैक्टरों के लिए बनाया गया है, 25 HP, 30 HP के लिए या 35 HP के लिए। इसके ऊपर फिर 42 इंच का यानी 42 इंच का, 45 इंच और 48 इंच। ड्रम की साइज चार प्रकार की हो गई। इससे क्या है, 25 HP से लगा करके 60 HP तक के जो ट्रैक्टर है किसान भाइयों के पास, उन सभी ट्रैक्टरों के लिए अपने पास थ्रेसर उपलब्ध हो गए NVT कंपनी के। देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ी मिल जाती है, और साथ ही यहाँ पर जो है जाल को लो करने के लिए भी यहाँ पर ऊपर सिस्टम दिया गया है। बचा कुचा डस्ट है वो डालने के लिए भी यहाँ पर पेटी लगाई गई है, साथ में एक पेटी ऊपर भी दी गई है,
जो कि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए। एनबीटी थ्रेशर की एक खासियत होती है कि हमें इसके अंदर एक ऐसा फ्रेम मिलता है, फसल के हिसाब से बंद या चालू कर सकते हैं। ये काम आता है बारीक फसल के अंदर। हम अगर बारीक फसल निकाल लें तो इसको बंद कर देंगे, जिसकी मदद से क्या है, भूसे के साथ जो छोटे छोटे कण आते हैं अनाज के, जो है पाइप में होके अपने ड्रम में चले जाएंगे, उसके बाद वो फिल्टर होके इन फैन की मदद से बाहर निकल जाएंगे। और अगर हमारा बड़ी जो फसल है जैसे चना वगैरह हो गया, उसमें ज़्यादा भूसा आता है और माल को क्लीन निकालना है, उसके लिए यहाँ पर खोल सकते हैं। इसकी मदद से भूसा जल्दी बाहर आ जाएगा और माल और भी ज़्यादा क्लीन आएगा। एनबीटी थ्रेशर के अंदर हम कभी भी माल निकालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन आता है, क्योंकि इसके अंदर हमें जाल की जो तरीके से सेटिंग मिल जाती है और साथ में जो फैन की जो सेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और जो डस्ट वगैरह है, जो कचरा है, पहले नीचे गिरता था, उसके लिए अब ये जो आप देख सकते हो ये पाइप दे दी गई है। यहाँ से फिल्टर होकर पाइप की मदद से टोकरी के अंदर चला जाता है, जिसकी मदद से वो टोकरी में वापस फिल्टर होके आ जाता है। जैसे पहले जो किसान को अगर एक घंटे की जो फसल निकाल रहा है तो उसमें आधा घंटा तो इसको कचरे को समेटने में लग जाता था, जिससे किसान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो मेहनत अब बच गई है ये अपने जो पाइप देने की वजह से। यहाँ पर काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स दिया गया है, जिसके साथ सॉफ्ट और अपने जो नॉर्मल जो पाने वगैरह और ग्रीस कैन वगैरह हम इसमें रख सकते हैं। सर एक सवाल रहता है, मार्केट में इतनी अच्छी तरीके से मशीन के अंदर कंपटीशन चलता है जी जी, तो सर एनवीटी क्यों लेगा किसान? सर एनवीटी इसलिए लेगा, आज की तारीख में मार्केट में जितने भी ब्रांड के दूसरे मल्टीक्रॉप थ्रेशर चल रहे हैं, उन मल्टीक्रॉप थ्रेशर के मुकाबले दो चीज़ जिसमें समस्या आती थी किसान को, एक तो एवरेज की समस्या थी, दूसरा ट्रैक्टर दबाता था मल्टीक्रॉप थ्रेशर दूसरों में, तो इसमें दोनों चीज़ें नहीं है। एक तो इसका एवरेज ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले, दूसरा ट्रैक्टर नहीं दबता है इसमें। किसान भाई आजकल हमें बोलते हैं, आए दिन फ़ोन आते हैं किसान भाइयों के, किसान भाई बोलते हैं कि इसका एवरेज भी अच्छा बैठता है और ट्रैक्टर भी नहीं दबाता है दूसरों के मुकाबले, ट्रैक्टर खाता नहीं है, तो इस कारण किसान भाई इसको आजकल काफ़ी पसंद कर रहे हैं। रोज़ कम से कम 50 फ़ोन आते हैं लोगों के कि यार ट्रैक्टर थ्रेशर यही लेना, हमें एनवीटी ही लेना है। लोग दूसरे ब्रांड के, अन्य ब्रांड के जो थ्रेशर हैं पुराने, उनको बेच रहे हैं और एनवीटी खरीद रहे हैं। आजकल प्रचलन हो गया, लेना तो एनवीटी लेना, मल्टीक्रॉप थ्रेशर यानी एनवीटी थ्रेशर। एनवीटी थ्रेशर मतलब मल्टीक्रॉप, जो काश्तकार के दिमाग में एक फिट बैठ गई कि भाई मल्टीक्रॉप है यानी एनवीटी है। पहले किसान भाइयों के मन में सवाल रहता था, यार मैं मल्टीक्रॉप ले तो लूँगा, इतना बड़ा थ्रेशर मेरा ट्रैक्टर चला पाएगा क्या, और चला भी लेगा तो मैं डीजल जो है उसके जो है वो कितना डीजल खाएगा। तो उसी को देखते हो ये जो मशीन है, इसमें टेक्नोलॉजी की मदद से इतने सुधार किए गए हैं कि आज के जो टाइम में जो ये मशीन है कम से कम एचपी के ट्रैक्टर पे चलेगी, वो भी आसानी से किसान चला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आ रहे हैं, जिसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा बिक भी रहे हैं। 25 HP से लेकर के 60 HP तक के मॉडल इसमें एनवीटी में बनते हैं, इस कारण से आजकल कस्टमर या उपभोक्ता इसको पसंद कर रहा है। एवरेज भी अच्छा है, ट्रैक्टर दबता नहीं है, छोटे से छोटे ट्रैक्टर, बड़े से बड़े, मीडियम, सब पे चलता है। आज की तारीख में इसके मुकाबले कोई थ्रेशर है नहीं इंडिया में, आज की तारीख में भारत का नंबर वन थ्रेशर है एनवीटी। हाँ, और एनवीटी सिर्फ मल्टीक्रॉप ही नहीं बनाता है, एनवीटी जो है कंपनी द्वारा एक मुफली थ्रेशर भी बनाया जाता है। इसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडल निकाल रखे हैं, AA, AA, डबल शाफ्ट वगैरह सारे जो मॉडल हैं इन्होंने निकाल रखे हैं, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार रह गया है। और इसके अलावा एक जो इनको जो नया वो लेटेस्ट जो मॉडल आया है वो आया है गीली फसल को निकालने के लिए, क्योंकि आजकल जो किसान फसल काटता है और निकालता है उस टाइम बारिश कभी भी हो सकती है, उसको देखते हुए किसान जल्द चाहता है कि मेरी गीली फसल भी जल्द से जल्द निकल जाए और वो घर पर अनाज सुरक्षित पहुँच जाए, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है, वो अगर पानी में अगर बह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, इसके लिए किसान जल्दी से जल्दी निकालना चाहता है। उसी को देखते हुए किसानों के लिए गीली फसल के लिए स्पेशल मशीन निकाली है, वो भी आप वीडियो में देख सकते हो, जो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। एनवीटी कंपनी द्वारा एक मक्का थ्रेशर भी बनाया गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उसके अंदर हमें एक जो है पट्टा सिस्टम मिल जाता है, जिसके कारण हम जो है मक्का नीचे से डाल के पट्टे की मदद से ऊपर जाके ड्रम के अंदर चला जाता है, जिससे किसान को सेफ्टी भी रहती है और मक्का भी बिना छिले हुए मक्के हम उसमें निकाल सकते हैं। एनवीटी कंपनी की कोई भी मशीन आपको अगर पसंद आ रही है या आपको खरीदनी है या अधिक जानकारी लेनी है तो लक्ष्मी एजेंसी बेगू जिला चित्तौड़ राजस्थान जो नीचे नंबर आ रहे हैं आप वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप यहां पर विजिट करके जो है मशीन की अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो।
कॉल का जो समय रहेगा सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। तो आपको ये मशीनें कैसी लगी, एनवीटी कंपनी के बारे में या इन मशीन मल्टी क्रॉप मशीन के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी कृषि में इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद जय भारत।